दिन भर। बुधवार को खजनी थाना अंतर्गत रुद्रपुर ग्राम से तीन नाबालिग बच्चियों के गायब होने की सूचना मिलने पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाने सहित अन्य विभागों को बच्चों की बरामदगी के लिए लगाया गया था। गुरुवार को सुबह ग्रामीणों ने गांव के पास ईंट भट्टे में तीनों ही बच्चियों के शव की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये बताओ कि लड़कियों को होलिया क्या है? मोबाइल में आज क्या पहना हुआ लड़कियों ने? क्या पहनी है? फ्रॉक किस रंग का पहनी हुई है? इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया। खजनी थाने के अंतर्गत रुद्रपुर गांव में कल सुबह 10 बजे तीन बच्चियां अपने घर से निकले थे सोच के लिए और 12 बजे के बाद परिवार वाले इनको ढूंढे नहीं मिले तो पूरा गांव वाले मिलके चारों तरफ ढूंढे थे। लगभग शाम के वक्त पुलिस को इन लोगों ने सूचना दिया। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुँच गई थी। लोकल SHO के साथ साथ सर्किल की पूरा फोर्स आसपास के सभी थानाध्यक्ष मौके पर पहुंच के खेतों में ईंट के भट्टे के आसपास बगीचों में लगातार तलाश किया जा रहा था। इसके साथ साथ हम लोगों का क्राइम ब्रांच भी लगी थी। मौके पर सभी सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंच गए थे। रात में 2:30 बजे के आसपास गांव और ईंट के गांव के बाहर जो ईंट के भट्टे हैं उनके बीच में कहीं गड्ढे था जिसमें पिछले दिनों हुए बारिश में काफ़ी पानी भरा हुआ था। उसी गड्ढों से तीनों बच्चियों के शव एक के ऊपर एक पड़ा हुआ बरामद किया गया है और विशेषज्ञों के पैनल से पोस्टमार्टम है तो भेजा गया है। वीडियोग्राफी भी हो रही है। गांव वालों का और वहां के मौके परिस्थिति के अनुसार जो आशंका है ये जो क्योंकि काफ़ी गीला था ज़मीन उसमें फिसल के गड्ढों में गिर के उनकी मौत होने की संभावना वहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का जो कारण पुष्टि कर